काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन मिला जिसके थ्रू आप एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, और काफ़ी फीचर्स इसमें आपको मिल जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टूल्स के बारे में, इसका टूल्स क्या है, कौन सा टूल्स क्या वर्क करता है। देन मैं आपको बताऊँगा यदि आपके पास कोई पहले से PDF पड़ा हुआ है तो उसे यहाँ पर इंसर्ट करके कैसे पढ़ाना है। देन मैं आपको बताऊँगा कि आपको PDF बना करके कैसे पढ़ाना है, यानी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए जो भी हमारा टूल्स है यही है, इसी से सारा काम होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए अप लिखा हुआ है और इधर एक आपको डाउन लिखा हुआ मिलेगा, इसका क्या वर्क है सारा कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो अप है, अप का मतलब क्या होगा। तो मान लीजिए आपको ऊपर जाना है तो आप अप में क्लिक करके PDF के ऊपर में जा सकते हैं, और नीचे जाना हो तो आप समझ गए होंगे कि डाउन में आपको सिंपली यहाँ पर देखिए डाउन लिखा हुआ है, डाउन में क्लिक करके आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं डाउन में क्लिक करता हूँ और ये देखिए हम नीचे आ चुके हैं। और मान लीजिए आपको स्क्रीन को जूम करने का जरूरत पड़े, क्वेश्चन को जूम करने का जरूरत पड़े, तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्क्रीन को दो उंगली से पकड़ के जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं, जैसा आप फोटो जूम इन जूम आउट करते हैं, ठीक। देखिए यदि आपको स्क्रीन में कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पर देखिए ब्रश आपके पास अवेलेबल है। इतना ही ब्रश नहीं, और आप ब्रश को ऐड कर सकते हैं इस प्लस वाले आइकन में। कैसे ऐड करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ग्रीन कलर से लिखना है तो ग्रीन कलर को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर इजिली लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कलर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो भी अब आपको लिखना है अब आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ से स्क्रीन में लिख रहा हूँ, तो मेरे पास एक स्टाइलस पेन है जो कि 200 रुपये में मिल जाता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, परचेज करना हो तो आप कर लीजिएगा, जिससे कि आप स्क्रीन में इजीली लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया फीचर्स मुझे क्या लगा, मान लीजिए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और पूरा स्क्रीन आपका फुल हो चुका है, तब आप करेंगे क्या। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको नीचे आ जाना है, और ये देखिए नीचे आने का भी आपको जगह दे दिया जाता है, आप नीचे आ सकते हैं, लेफ्ट राइट जिधर जाना जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक कहाँ पर करना होगा, तो यहाँ पर एक बार आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन में जिधर भी जाना है आप यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पेज फुल हो गया, तो अब आप नीचे आराम से लिख सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पेन को सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ से फिर से आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये मुझे बेस्ट क्यों लगा। तो और भी फीचर्स हैं बेस्ट लगने का, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए पेन में और क्या क्या सेटिंग हो सकता है, मान लीजिए हम इस पेन को सिलेक्ट किए तो इस पेन में और क्या क्या हमें मिल जाता है, तो सिंपली हम पेन में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें आपको इतना सारा फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये पेन वाला मोड में है, एक बार जैसे ही इसमें आप और क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो ये देखिए अभी क्या हो गया, हाइलाइटर में हो गया। तो हाइलाइटर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो अब आपको सही वाले निशान में क्लिक कर देना होगा और ये सेट हो गया हाइलाइटर में। तो अब हम जब स्क्रीन में लिखेंगे तो हाइलाइटर जैसा लिखेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आप कुछ इस तरह का लिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको हाइलाइटर का यूज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो फिर से हम इसी पेन में जाएंगे और यहाँ से अब हम पेन वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। देन देखिए उसके बगल में 0.5 लिखा हुआ है, ये क्या है, तो ये पेन का साइज है, यहाँ से आप अपने पेन के साइज को इनक्रीज कर सकते हो। 0.5 में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसे 0.1 से 1 तक कर सकते हैं। तो पहले आप फुल कर देंगे, फुल जैसे ही करेंगे तो एक और आपको लेवल मिल जाता है, यानी और आपको बढ़ाना हो साइज तो और आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं और टोटल 3 साइज आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप टोटल 100 तक अपने साइज को बढ़ा सकते हैं। तो हम सिंपली यूज करेंगे कितना, 1 का यूज करेंगे, 1 काफ़ी होता है। देन आपको सही वाले निशान में क्लिक कर देना है और ये आपका पेन का साइज सेलेक्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो और भी इसमें आपका फीचर्स है, तो फिर से हम वहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बगल में देखिए यहाँ पर एक आपको कलर दिखेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा क्लिक करने से, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप अपने पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको जिस भी कलर में लिखना है सिंपली आप उसी में टैप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ और ये देखिए पूरा का पूरा रेड हो गया। देन आपको सही वाले निशान में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपका पेन का कलर देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। देन आपको एक बार फिर से सही वाले निशान में क्लिक कर देना होगा और ये देखिए जो हमारा स्क्रीन है यहाँ भी ये कलर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कलर को
चेंज कैसे करना है, साइज कैसे बढ़ाना है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर एक प्लस का निशान है, प्लस के निशान में क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो प्लस के निशान में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका उसी कलर का और भी पेंस आ जाएंगे। देन देखिए उसके बगल में आपको एक मिल जाएगा इरेजर, इरेजर से आप सिंपली मिटा सकते। इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी पार्ट को मिटाना है यहाँ से सिंपली आप मिटा सकते हैं, आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बगल में देखिए एक आपके पास सेलेक्टर है, यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट करके भी मिटा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी पार्ट को मिटाना हो, तो एक सेकेंड हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए जब भी आपको स्क्रीन में ऊपर नीचे जाना हो तो आप इसका क्लिक करके भी बढ़ सकते हैं। तो एक सेकेंड पहले हम सीख लेते हैं सेलेक्टर के बारे में। तो सिंपली आप इसमें क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जिस भी पार्ट को मिटाना हो तो उसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक कट का निशान आ जाएगा, इसमें क्लिक करने के बाद ये इरेज हो जाता है। इसमें जैसे इसको आपको मिटाना है सिंपली आप कट कर सकते हैं। 100 को मान लीजिए मिटाना है तो पूरा को पहले आप घेरा कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, देन आपको कट वाले निशान में क्लिक कर देना है और ये पूरा इरेज हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बगल में देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका यूज मैं हालांकि आपको बता चुका हूँ, जब भी आपका स्क्रीन फुल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन जो लॉक था ना वो ओपन हो जाएगा, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और फिर से आपको लॉक करना हो तो क्या करेंगे, किसी भी आइकन को आप क्लिक कर देंगे, पेन में क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब ये स्क्रीन आपका हिलेगा नहीं, कितना भी आप स्क्रीन में लिखिए अब ये हिलेगा नहीं। आप कुछ समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको PDF यानी PDF लगा करके कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्लिक कहाँ पर करना होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपली आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाता है, ओपन में क्लिक करेंगे और ये देखिए फाइल का भी निशान है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितना भी फाइल होगा PDF होगा सारा कुछ यहाँ आपका अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए हमको किसे सेलेक्ट करना है, इस PDF को सेलेक्ट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो जितना भी क्वेश्चन इस PDF में, देखिए टोटल पेजेज हैं 14 और सारे पेजेज यहाँ पर आ गए हैं। मान लीजिए आपको सारे पेज को एक बार में देखना है तो आप सिंपली यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल 14 पेज हैं और सारे पेज यहां पर आ गए। इसे हम यहां से बैक चले जाते हैं, बैक जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर से आपको जो भी पढ़ाना हो यहाँ आप आराम से पढ़ा सकते हैं। तो हो गया कि आपका PDF पहले से बनाया हुआ है तो आपको PDF को लगा करके पढ़ाना कैसे है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको PDF यदि आपके पास नहीं है तो आपको बनाना कैसे है, कहाँ से बनाना है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सेल ऐप। तो पिक्सेल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपना थंबनेल भी बना सकते हैं। थंबनेल बोले तो जो वीडियो के ऊपर में होता है बैनर, उसे आप वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहां से कट करते हैं और चलते हैं हम पिक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए यहां पर आपके आपका डिलीट बटन अवेलेबल है, क्लिक करके सिंपली डिलीट कर लेंगे। और उससे उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए आपको एक 3 डॉट दिख रहा होगा, सिंपली आप 3 डॉट में क्लिक करके यहां से इमेज साइज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज साइज में क्लिक करने के बाद यहां पर जो कस्टम लिखा हुआ है कस्टम में क्लिक करेंगे। कस्टम में क्लिक करके यहां से YouTube थंबनेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये वाला को थंबनेल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका टेम्पलेट कुछ इस तरह का बन गया। अब हमें इसका कलर को चेंज करना होगा। कलर को चेंज करने के लिए नीचे यहां पर आपको आना होगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर नीचे, तो नीचे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और देखिए फर्स्ट में ही हमारा कलर का ऑप्शन है और कलर के ऑप्शन में यहाँ पर हम जाएंगे ये वाला कलर में, ग्रेडियंट को नहीं लेंगे हम सिंपली कलर को लेंगे। कलर में क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर पसंद हो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से वाइट ले लेता हूँ। वाइट लेने के बाद अब आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को तैयार करना है। सिंपली हम ए में जाएंगे, ए में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपली एडिट में हम एक बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एडिट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको जो भी क्वेश्चन टाइप करना हो सिंपली माइक का यूज करके आप यहाँ से क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को टाइप करने के बाद मिलता हूँ। ये क्वेश्चन टाइप हो चुका है। क्वेश्चन को टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक ओके का ओके लिखा हुआ मिलेगा। ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप क्वेश्चन को कहीं भी देखिए यहाँ पर पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिंपली इसे ऊपर में रख देते हैं। ऊपर में रखने के बाद इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अब हम ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को कलर को चेंज करेंगे। तो कलर को चेंज करने के लिए आपको सिंपली इधर स्लाइड करना है। तो इधर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कलर एक आपको मिल जाएगा। देखिए ये आपका कलर हो गया। सिंपली कलर में क्लिक करेंगे, जिस भी कलर को
जिस भी कलर का आपको क्वेश्चन चाहिए उस कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे कलर्स हैं, देन आपको सही वाले निशान में क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को मोटा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है, सॉरी स्टाइल है, तो सिंपली बी में क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर आप बी में क्लिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन टोटली मोटा हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है, अब हमें ऑप्शन को तैयार करना है। उससे पहले सही वाले निशान में क्लिक कर लेंगे, देन आपको स्क्रीन में कहीं भी एक बार टच कर देना है, ये जो हमने क्वेश्चन तैयार करा है सेव हो जाएगा। तो देखिए टच किया और ये क्वेश्चन सेव हो गया। अब हम बात करेंगे कि ऑप्शंस को कैसे तैयार करना है। तो ऑप्शंस को तैयार करने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, टेक्स्ट में जाना है, देन आपको एडिट में जाना है। ऑप्शंस को तैयार करने के बाद फिर से आपको ओके में क्लिक करना है और इसे आपको जहां भी रखना है वहां सिंपली आप इसे बीच में पकड़ के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर रख दीजिए। और इसमें कुछ हम एडिटिंग करेंगे, कलर वगैरह चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। कलर का ऑप्शन में जा करके आपको जिस भी कलर को सेलेक्ट करना है आप सिंपली कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सही वाले निशान में क्लिक करना मत भूलिएगा। देन आपको करना क्या है, इसे मोटा थोड़ा करना है, तो मोटा के लिए हमने बताया था यहाँ पर स्टाइल में आना है और सिंपली बी में क्लिक कर देना है और ये फॉन्ट आपका मोटा हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों तैयार हो चुका है, देन अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए करना क्या है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आपको सेव एज इमेज में क्लिक करना होगा। देन देखिए यहाँ पर आपको एक कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली कस्टम में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अल्ट्रा को चूज करेंगे, सबसे लास्ट वाले को। तो अल्ट्रा हमारे यहाँ पर है, सिंपली अल्ट्रा में जाएंगे और सेव टू गैलरी, यानी गैलरी में आपको सेव करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये आपका गैलरी में सेव हो गया। तो इसी तरह से आपको जितना भी क्वेश्चन तैयार करना होगा सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरह से टाइप करते चले जाएंगे और क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपको एक पीडीएफ बनाना होगा। पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पीडीएफ मेकर। लिंक आपको सारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और यहां पर देखिए आपको जब भी पीडीएफ बनाने की जरूरत पड़े तो यहां से आप जैसे फोटो खींच के भी बना सकते हैं यहां से पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम प्लस वाले निशान में क्लिक कर देंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके पास ये होना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर में क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पिक्चर में क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितना भी फोटोज होगा सारे यहाँ पर आ जाएंगे, आप किसी को भी लेकर के पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। तो हमने अभी तुरंत बनाया है, ठीक है। तो जितना भी आपने क्वेश्चन तैयार करा होगा सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको डन में क्लिक कर देना है, यहाँ पर डन का निशान है। तो डन में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे नीचे कन्वर्ट टू पीडीएफ लिखा हुआ है, देन आपको फिर से कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक करना है और ये आपका पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो अब हम चलते हैं फिर से उसी बोर्ड की ओर, ठीक है। तो देखिए बोर्ड का हमारा नाम है स्केच ऑन पीडीएफ, सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है, यानी लैंडस्केप मोड में कर लेना है। तो देखिए ये हमारा फ़ोन जो है रोटेट हो चुका है। देन हम फिर से कहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से वहीं पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा, जाने के बाद देखिए यहाँ पर ओपन का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपली ओपन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो अभी आपने पीडीएफ तैयार करा है वो सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे हम चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए अभी जो हमने तैयार करा है यही पीडीएफ है, ठीक है, यही पीडीएफ है। सिंपली हम इसमें क्लिक कर देंगे और ये हमारा पीडीएफ यहाँ पर आ गया। टोटल इसमें 3 पेजेज हैं, यहाँ पर आपका लिख दिया, ठीक है। और देखिए आप यहां से पीडीएफ को डिलीट नहीं कर सकते, मान लीजिए इस पीडीएफ को आपने यहां पर इंसर्ट किया, इसे आपको डिलीट करना है, तो डिलीट आप मत कीजिएगा। सिंपली आपको जिस भी फाइल को यहां पर इंसर्ट करना होगा, जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो पहले वाला फाइल आपका अपने आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या फीचर्स है, तो इसका फीचर्स यहाँ पर जैसे आप जाएंगे थ्री डॉट में जाने के बाद मान लीजिए आपको इसे पीडीएफ के रूप में सेव करना है, ठीक है। तो पीडीएफ के रूप में सेव करना है तो सिंपली आप एक्सपोर्ट पीडीएफ में क्लिक करेंगे और जैसे आप एक्सपोर्ट पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव वाले निशान में यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, सेव में क्लिक करने के बाद आपका पीडीएफ यहाँ पर सेव हो जाएगा। यदि यहाँ से डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर लीजिएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फुल स्क्रीन, यदि आपको फुल स्क्रीन में कर देना है, ये जो आइकन्स जितना दिख रहे हैं इसे आपको नहीं दिखाना है, तो आप करेंगे क्या, तो सिंपली थ्री डॉट में जाएंगे और यहाँ पर फुल स्क्रीन में क्लिक कर देंगे और ये आपका फुल स्क्रीन हो चुका है। आप आराम से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो देखिए, जो भी आप इस बोर्ड में पढ़ाएंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आप कौन सा एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट है, तो उसका नाम है एक्स रिकॉर्डर। यदि आपको एक्स रिकॉर्डर के बारे में पता ना हो कैसे यूज करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि एक्स रिकॉर्डर को यूज कैसे करते हैं। और देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आखिर जो हमारा वीडियो बनेगा वो सेव होकर के कहाँ पर जाएगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है, एक्स रिकॉर्डर। तो एक्स रिकॉर्डर को सिंपली हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप वीडियो वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, तो वीडियो वाले सेक्शन में क्लिक करते ही आपका जितना भी वीडियो एक्स रिकॉर्डर से बनेगा सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको अपने वीडियोज को फाइल में देखना है तो उसे आप कहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, नीचे सेटिंग का निशान है, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सारा वीडियो बन करके किस फाइल में जाना है। एक्स रिकॉर्डर 0 आप सिंपली फाइल में जा करके सर्च कीजिएगा, आपका वीडियो वहीं पर मिल लेगा। आई होप आप सारा कुछ समझ गए।